ठंड का कोहराम इतना है कि लोगों ने ट्रेन में हाथ सेंकने के लिए अंगीठी जला ली। सुनने में ये थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन लोगों का ये कदम ट्रेन में बैठे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। दरअसल ये मामला संगम एक्सप्रेस ट्रेन का है। कानपुर में संगम एक्सप्रेस के एसी कोच में किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशल पाल आर्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी ठंड के चलते ट्रेन में ही किसी ने अंगीठी जला ली और हाथ तापने लगे। लेकिन एसी कोच से धुआं उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया और सभी के पसीने छूट गए। दरअसल यात्रियों को लगा कि ट्रेन के डिब्बे में कहीं आग तो नहीं लग गई है। कोच में धुआं उठता देख यात्रियों ने कंट्रोल रूम को सूचना कर दी। वहीं सूचना मिलते ही कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन रुकी तो डिप्टी सीटीएम समेत कई अधिकारी जांच में जुट गए, जिसके बाद इन्होंने किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से बात की। गाड़ी में कौन नहीं ताप रहा था? कोई नहीं ताप किसी ने। नहीं नहीं, वो वीडियो गलत है। नहीं नहीं, आप इतने वीडियो दिखाइए। आप देखिए एक वीडियो, किसान जो है किसी ने जो है बाहर की तरफ तो हमने मना किया कि भाई बाहर की तरफ से जो है वो ना करे। आप कहीं चला गया रेल मंत्री के पास में, हम क्यों आते आपके पास? हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। अभी चला गया रेल मंत्री के पास, वहाँ से ट्वीट हुआ, बोला गाड़ी अटेंड करवा लीजिए। मैं सोचा इसी बहाने दर्शन कर लूंगा। इस संबंध में डिप्टी सीटीएम आशुतोष सिंह ने बताया कि किसान यूनियन के सदस्यों को अंगीठी जलाने मामले में कड़े निर्देश दिए गए हैं। नहीं, जैसे पता चला था संगम एक्सप्रेस जो डाउन में जाती है प्रयागराज की तरफ, उसमें कुछ यात्री कुछ आग जलाकर अलाव ताप रहे थे उसके अंदर। वो रिपोर्ट होने के बाद उसको ट्रेन को पहले वहाँ पे झिंझक और कंचौती स्टेशन पे आरपीएफ के माध्यम से चेक कराया गया उसको, और वहाँ पे पाया गया कि उसमें कुछ किसान यूनियन जो है हमारी उसके लोग उसमें जा रहे थे और उनके द्वारा वो कोच में बैठे भी थे अनऑथराइज्ड और वो आग ताप रहे थे। बाद में उसको कानपुर में पूरी यहाँ पे फोर्स के साथ जीआरपी आरपीएफ की पूरी टीम यहाँ पे जाने के बाद उनसे वार्ता की गई और उनको ये बोला गया कि आप ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आगे उनको सावधान रहने के लिए बोला गया और तो काउंसिल करने के पश्चात गाड़ी यहाँ से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। क्या सर इस पे उन पर जुर्माना या किसी प्रकार की कार्रवाई? नहीं, जो यात्री था वो ट्रेस नहीं हो पाया, उसको आगे सूचना दी गई है, कोशिश करेंगे उसको प्रयागराज में ट्रेस करके अगर वो रहता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ किसान यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि इस शख्स ने ट्रेन में अंगीठी जलाई थी, उसको तत्काल ही ट्रेन से उतार दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।